नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारुठिया, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। बच्चों, आज हम बात करेंगे आंगल मैसूर संघर्ष के द्वितीय और तृतीय चरण की, यानी आंगल मैसूर संघर्ष में कुल चार युद्ध हुए। पहला 1768-69, दूसरा 1780-84, फिर 92 और 93, और उसके बाद 1799 बैलाजली तक। यानी जब लॉर्ड क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन स्थापित कर रहे थे और चल रहा था, तब से लेकर लॉर्ड बैलाजली जब भारत आया और उन्होंने सहायक संधि स्थापित की, तब तक मैसूर और अंग्रेजों के बीच संघर्ष रहा। यानी बहुत आसानी से मैसूर अंग्रेजों के पास नहीं आ गया। मैसूर को संघर्ष करने में जो प्रतिनिधित्व दिया गया, वो दो मुख्य राजा है, हैदर अली वहां का शासक और उनके पुत्र टीपू सुल्तान। द्वितीय मैसूर युद्ध, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध जो 1780-84 के बीच लड़ा, उसकी एक बहुत बड़ी खूबी है कि इस युद्ध में दोनों ही पिता और पुत्र ने क्रमशः भाग लिया हैदर अली की। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सामने आती है कि 1772 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ और 1772 में द्वैत शासन समाप्त कर दिया, उसके बाद वारन हेस्टिंग्स ने प्रशासनिक और राजस्व सुधार शुरू किए और धीरे धीरे साम्राज्य वृद्धि भी करनी शुरू की। दक्षिण में हैदर अली अपनी शक्ति इस समय बढ़ा चुके थे और एक स्वतंत्र शासक के रूप में घुस सकते और अंग्रेजों को एक बार संघर्ष करके युद्ध की चुनौती भी दे चुके थे और मद्रास की संधि से भी युद्ध समाप्त हुआ था। तो यहाँ दूसरी स्थिति एक आती है कि हैदर अली की अंग्रेजों को सहायता करनी चाहिए थी मद्रास की संधि में, ऐसा वर्णन था। और जब हैदर अली ने मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, तब अंग्रेज चुपचाप देखते रहे। यानी जो फूट डालो और राज करो की नीति है, यहाँ पर धीरे धीरे अंकुरित होती नजर आ रही है कि मैसूर, मराठा और निजाम, अंग्रेज चाहते थे कि जब कभी भी इनमें तनाव है तो जिस किसी पर भी एक राजा आक्रमण करे, यानी निजाम अगर मैसूर पर आक्रमण करे तो अंग्रेज थोड़ा सा वेट करे और उसके बाद खुद आक्रमण करे, यानी जर्जरित होते हुए राज्य पर आक्रमण करे और श्रेय खुद प्राप्त करे और साम्राज्य भी खुद प्राप्त करे और निजाम को एक तरीके से साइकोलॉजिकल दबाए। यहां स्थिति ऐसी ही रही। अंग्रेजों को निजाम बना जो बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई और कुछ भी नहीं। हैदर अली को लगा कि अंग्रेज बहुत ज्यादा विश्वासघात कर रहे हैं और इस बारे में उनको उसकी मद्रास की संधि को दे रहे हैं। तो हैदर अली के राजशासन में फ्रांसीसियों की बस्ती पर भी मार्च 1773 में अधिकार कर लिया गया। तो ये स्पष्ट रूप से हैदर अली की प्रभुसत्ता को चुनौती थी एक तरीके से देखा जाए तो। और उसके बाद में हम देखते हैं 1780 में हैदर अली ने अपने कॉन्फिडेंस को वापस गेन करते हुए, यह कहना चाहिए पर पुनः अपने आप को पुनर्बलन स्थापित करते हुए 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण किया, ये देखते हुए कि अंग्रेजों की अपनी क्या रहती है। हैदर ने अंग्रेज जनरल वैल्यू को कर्नाटक के मैदान में बुरी तरह परास्त किया और 1780 में अरकाट पर अधिकार कर लिया था। और एक तरीके से ये बहुत शर्मनाक थी और निजाम साथ थे, लेकिन इसी समय अंग्रेजों ने क्या किया, एक बहुत कूटनीतिक चाल के लिए निजाम को गुंटूर का किला दे दिया गया, दक्षिण भारत में है जो गुंटूर, और उसको संतुष्ट कर दिया गया। 1780 में नए अंग्रेज अधिकारी आए और आयरकूट ने तीन चार जो स्थान है जिन हैदर अली को कई स्थानों पर घेर लिया, जिनमें से पोर्टेनेमा, पॉलिंगूर, ओलिंगनूर आदि जगह है। और हैदर अली ने बड़ी वीरता दिखाई, लेकिन कहते हैं कि इसी युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और युद्ध दिसंबर 1782 में हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा और अंग्रेज भी इस समय न तो युद्ध जारी रख रहे थे और टीपू सुल्तान भी युद्ध के इच्छुक नहीं थे। अतः दोनों के बीच में मंगलोर की संधि हुई जो मार्च 1784 में की गई थी और दोनों ने अपने जीते हुए भूभाग को लौटा दिया। एक तरीके से पुनः मद्रास की संधि का पुनर्हुआ था और ऐसा माना गया था कि अब दोनों के बीच में कहीं युद्ध नहीं होगा, लेकिन अंग्रेजों को धीरे धीरे व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति की ओर बढ़ने का, जो बक्सर के युद्ध बता उसके बाद ये मैसूर का जन्म हुआ, तो अब उनको और ये इस तरीके से दृढ़ संकल्पित है वो कि उनको ये राज्य जीतना है। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध जो है 1790-92 हुआ, इस बीच में हम देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस आ चुके हैं भारत में और उन्होंने स्थायी बंदोबस्त किया, भू राजस्व सुधार की तरफ चले गए और साम्राज्यवादी नीति को थोड़ा सा उन्होंने पीछे रखा। 1788 में कंपनी ने हैदराबाद को निके निजाम को फिर से टीपू के खिलाफ तैयार किया। यानी ये देखिए, दक्षिण में निजामों को बार बार
उपयोग किया जा रहा है अंग्रेजों द्वारा, और निजामों के अभी तक भी इस अंग्रेज के इस चरित्र को समझ नहीं पाए। टीपू ने इस संधि के उल्लंघन को लिया और 1779 में ट्रावणकोर पर, जो दक्षिण का बहुत बड़ा किला है ट्रावणकोर, उस पर आक्रमण कर दिया गया था। तृतीय आसंग आंगल मैसूर यदि अगर हम माने तो तीन चरणों में स्थापित हुआ। पहले जनरल मिंडो थे, दूसरा 1790 में स्थापित हुआ जिसमें कॉर्नवालिस था और टीपू की राजधानी श्रीरंगगढ़ के पास में 17, और तीसरा था मार्च हो गई, और इस प्रकार तीसरा जो है वो 1791 से चालू हुआ। तो ये एक देख जो है, तो तीसरे में कॉर्नवालिस की सहायता करने के लिए मिंटो, स्टुअर्ट और दक्षिण के प्रेसिडेंसीज के जो कई छोटे मैक्सवेल, हंटर, ऐसे जैसे कई सेनापति जो आसपास के उसमें थे प्रेसिडेंसी में, वो सब के सब आ चुके थे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्थिति रहती है टीपू सुल्तान के लिए कि वह बहादुर से लड़ता है, सब कुछ संघर्ष करता ही करता है, लेकिन अंग्रेजों की रणनीति और चारों तरफ से उनके घेरे घेरों को वह समझ चुका था और ये जान चुका था कि वो उनका बहुत मुकाबला बहुत मुश्किल है। 18 मार्च 1792 में उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ती है और ये संधि बहुत ही निराशाजनक रहती है टीपू सुल्तान के लिए, ना केवल टीपू सुल्तान के लिए बल्कि अगर देखा जाए तो भारतीयों के लिए भी रहती है। और अंग्रेज एक बार पुनः बक्सर की युद्ध की पुनरावृत्ति करने में सफल हो गए और यहाँ पर टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य देना पड़ता है, अपने दो पुत्रों को बंधक भी बनाना पड़ता है उसको, और हजानों के रूप में करीबन 3 करोड़ रुपए से ज्यादा भी ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता है। और द्वितीय के बाद में जो तृतीय युद्ध हुआ, मतलब प्रथम दो युद्ध आंगल मैसूर युद्ध हुआ उसमें तो स्थितियां फिर भी सामान्य रह गई, लेकिन तृतीय युद्ध में टीपू सुल्तान के सामने एक बहुत भयंकर चुनौती आ गई। आर्थिक नुकसान हो गया, मनोवैज्ञानिक नुकसान हो गया, राजनीतिक नुकसान हो गया, और अब उसे एक भारी भरकम विजय की हासिल करना अनिवार्य हो गया। इसके उपरांत हम अंतिम चतुर्मैगुल मैसूर युग की बात पढ़ते हैं। मई 1799 हुई और इस समय फ्रांसीसी कंपनी की टीपू ने बहुत से संपर्क किया सेना ऐसी थी कि, लेकिन अरब कुस्तुतुनिया और अफगानिस्तान मॉरिशस का इसी की, लेकिन स्थितियां नहीं रही क्योंकि लॉर्ड बेलेजी भी भारत में आ चुके थे और उन्होंने सहायक संधि की थी और राजा महाराजाओं को सीधा सीधा से उन्होंने ले लिया। टीपू पर भी उनका जबरदस्त आक्रमण किया गया और 4 मई 1799 को टीपू के श्रीरंगम के किले में टीपू ने भागकर शरण ली और उन्होंने बहुत भीषण आक्रमण किया और अंततः टीपू सुल्तान वहीं पर बहादुर से लड़ते हुए मारे गए और मैसूर की जो समाप्ति हो गई और मैसूर अंग्रेजों का हो गया। और 4 युद्धों के बाद में आंगल मैसूर संघर्ष समाप्त हुआ और पूरा का पूरा मैसूर जो हैदर अली ने स्थापित किया था वो अंग्रेजों के भूभाग बन गया। धन्यवाद।